मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच एक्सरसाइज 10A इन मैथ्स. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. द क्वेश्चन इज 1/2 इज इक्वल्स टू 5/10. मीन्स यहाँ पे ना आपका 5 सपोज करना नहीं दिया है. ये जो 5 है ना, यहाँ पर नहीं दिया है. सपोज करना यहाँ ब्लैंक है. ओके, अपॉन 10. तो हमें इस ब्लैंक को फिल करना है. यहाँ पर 5 कैसे आया? एज जब हम मीन्स जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 देखो कैसे आएगा, 2 × 5 करेंगे तो 10 आता है. 2 × 5 = 10 होता है. तो उसी डिजिट से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 1 × 5, 1 × 5 = 5, तो यहाँ पर आएगा 5. मीन्स जिस डिजिट से हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, 5 × 5 = 10 होता है, उसी डिजिट से हम न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी न्यूमरेटर की डिजिट आ जाएगी. ये देखिए 1/3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क क्या है न्यूमरेटर में, हमें नहीं पता. 9 दे रखा है. सो 1/3, 3 × 3 = 9 होता है, है ना. 3 × 3 = 9, और उसी 3 से हम न्यूमरेटर वाली डिजिट को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 1 × 3 = 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/9. मीन्स हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने. जब आप इसको कट करोगे तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 1/2 निकल कर आएगा. दैट मीन्स इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसको भी जब आप कट करोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 आएगा. दैट मीन्स 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. बट हमें यहाँ कट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है. क्लियर. नेक्स्ट देखो, दे रखा है यहाँ पर 1/7 इज इक्वल्स टू 3 न्यूमरेटर दिया, डिनोमिनेटर नहीं दिया, डिनोमिनेटर पता करना है. इसमें भी आप इसी तरह कर सकते हो. इसमें तो वैसे डिवाइड का होता है, बट आप मल्टीप्लाई से भी पता कर सकते हो. 7 × 3 = अब देखिए 1 × 3 = 3 होता है. 1 × 3 = 3, तो 7 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 × 3 = 21. जिस डिजिट से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, उसी डिजिट से हम डिनोमिनेटर को भी करेंगे. उसी तरह जिस डिजिट से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, उसी डिजिट से न्यूमरेटर को करेंगे. 1 × 3 = 3 होता है, उसी से 7 × 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 7 × 3 = 21. यहाँ पे क्या आना था, 21 आ गया. अब 1/7 है, अब इसको अगर कट करो, 3 × 1 = 3 है ना, और 3 × 7 = 21, 1/7 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 3/4 इज इक्वल्स टू 12/ कुछ नहीं, मीन्स क्वेश्चन मार्क लगाए तो 3/4. अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 4 = 12 होता है. 4 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. 4 × 4 = 16, यहाँ पे आपका 16 आ गया. देखिए, ओके, सो देखिए 3/4 है, यहाँ पे आएगा 3/4, बिल्कुल आएगा. 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3/4 आ जाएगा. तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. बट हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर नहीं निकालना है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. सो हमने बस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर दिया. जस्ट डू दिस सम इन मैथ्स CW कॉपी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम्स. थैंक यू.